साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी बैठक आज राजधानी लखनऊ में होगी, जिसमें आगामी उपचुनावों को लेकर पार्टी रणनीति बनाएगी। वहीं सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत कई कैबिनेट मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बता दें कि यूपी में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव होने हैं। सपा ने मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी किसी भी सीट पर कोई नाम फाइनल नहीं किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शाही हमसे जुड़ेंगे। विवेक, बीजेपी आज कोर बैठक करने जा रही है। जी मयूरी, आज मुख्यमंत्री आवास पर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक है। ऐसा माना जा रहा है कि ये बैठक जो आने वाले विधानसभा उपचुनाव हैं उसके लिए बेहद ही खास ही होंगे। हम सभी को पता है कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली विधानसभा सीटें जो अभी रिक्त हुई हैं, जहाँ पे उपचुनाव होना है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी जो है माथापच्ची भी देखने को मिल सकती है। दोनों पार्टियां अलग अलग स्तर पर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं, क्योंकि मैनपुरी जो है वो लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव की थी, जो उनके निधन के बाद रिक्त हो गई, जहां से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को, यानी अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। जबकि रामपुर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि आजम खान की पत्नी वहाँ से लड़ सकती हैं। वहीं खतौली विधानसभा सीट जो है वहाँ पे रालोद का कोई भी उम्मीदवार प्रत्याशी जो है वहाँ से चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मयूरी, तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी किसी भी सीट से, चाहे वो लोकसभा सीट हो चाहे वो विधानसभा सीट हो, अभी अपने पार्टी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। जबकि सूत्रों की माने तो अगर मैनपुरी की बात की जाए, तो मैनपुरी की जो जिला सचिव की टीम है, जो जिला इकाई की टीम है, उसने अपनी एक लिस्ट बना के जो है वो उत्तर प्रदेश भाजपा को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश भाजपा की आज कोर कमेटी की बैठक में उस लिस्ट पे मंथन होगा, चर्चा होगा, कुछ सुझाव भी दिए जाएंगे। उसके बाद तय होगा कि मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ राजनीतिक पंडित ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो मैनपुरी की सीट है मयूरी, उस पर एक तरफ अगर डिंपल यादव हैं तो दूसरी तरफ अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, उनको टिकट कर सकती है। मामला जो है घर का बता के, क्योंकि ये जो चुनाव है मैनपुरी का, वो पूरी तरफ से सिंपत्ति पे लड़ा जाएगा, नेताजी की सिंपत्ति पे लड़ा जाएगा। नेताजी काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से वहाँ से वो लोकसभा से सांसद चुने जा चुके हैं। वो उनकी पारंपरिक सीट थी, समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट थी। तो आने वाले चुनाव में, जैसे इससे पहले गोला गोकर्णनाथ और आजमगढ़ के विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी हार हुई है, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को इस बार मैनपुरी से, जो कि सबसे प्रतिष्ठित सीट है उनके लिए, वहाँ से उतारा है। जो खेल बिगाड़ने के लिए अपना यादव को भारतीय जनता पार्टी वहाँ से उतार सकती है मयूरी। विवेक, अगर ऐसा हो जाता है, बीजेपी अपर्णा यादव का नाम सामने ला देती है, तो बहू वर्सेस बहू में कितनी बड़ी चुनौती देखने को मिलेगी? जी मयूरी, मैं वही कह रहा था कि इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि दोनों ही मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, दोनों ही एक ही परिवार से आती हैं। हालांकि दोनों की राजनीतिक विचारधारा अलग अलग है, और इस विधानसभा चुनाव से पहले ही जो है अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी में उनको कोई बड़ा पद या ऐसे कोई संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार मैनपुरी से अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है, जो कि सीधे तौर पर डिंपल वर्सेज अपर्णा का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। और ये मुकाबला डिंपल वर्सेज अपर्णा से भी कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही बढ़िया चांस है उसके पास, गोल्डन चांस है उसके पास कि मैनपुरी की जो चुनाव है, उपचुनाव है, उसको, उसकी सीट को जीतने का, क्योंकि नेताजी के रहते कभी संभव नहीं हो पाया, और नेताजी के जाने के बाद उनके पास एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो ये सबसे प्रतिष्ठित सीट है समाजवादी पार्टी की, और सबसे पारंपरिक पारंगत
भी सीट कह सकते हैं इसको, यानी कि काफी समय से इस पर समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है, चाहे वो रामपुर की सीट हो चाहे वो मैनपुरी की सीट हो। मैनपुरी की सीट से समाजवादी पार्टी का खासा लगाव रहा है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी मुलायम सिंह यादव यहाँ से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, जनता उनको मानती है। ऐसा कहते हैं कि उनको वहाँ पे अगर चुनाव प्रचार वो ना भी करें तो भी वो जीत जाएंगे, क्योंकि एक सहानुभूति सी लहर सी भी चली है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज दे सकती है भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को इस खेल में उतार के, इस चुनाव उपचुनाव में खड़ी करके डिंपल यादव के विरुद्ध थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये भी दिखाने की कोशिश होगी कि मुलायम सिंह यादव के ही परिवार से हमने भी एक प्रत्याशी उतारा है। तो वोट काटने और डैमेज कंट्रोल की अगर बात की जाए तो थोड़ा डैमेज कंट्रोल यहाँ पे हो सकता है। मयूरी विवेक, ये जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है ये कितने बजे होगी और कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, दोपहर में ये बैठक होने की संभावना जताई जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद होंगे। वहीं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी इस कोर कमेटी में बैठक में शामिल होंगे। इस कोर कमेटी बैठक की सबसे अहम मुद्दा यही होगा कि आने वाले उपचुनाव जो हैं मैनपुरी और विधानसभा दो उपचुनाव हैं, उनके जो प्रत्याशी तय करने होंगे भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि हर जगह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक चुनाव को लेकर, चाहे छोटे से छोटा चुनाव, बेहद ही सजग और बेहद ही गंभीर रहती है। अपनी रिपोर्ट जो है जिलावार रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गई है। अब उस जिलावार रिपोर्ट पर जो है भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी में बड़े पदाधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेगी, चर्चाएं चलेंगी, काफ़ी कुछ मंथन भी होगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा भी हो सकती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रामपुर में पसमंदा सम्मेलन भी बुलाया जाना है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले जो है मुस्लिम वोटों के साथ जो है वो साधने की पूरी तैयारी है, किस तरह से मुस्लिम वोटों को साधा जाए। और रामपुर भी आज तक बीजेपी कभी जीत नहीं पाई है मयूरी, तो ये बहुत ही गोल्डन अवसर है भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनपुरी और रामपुर के चुनाव को जीतना, जिसके लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। मयूरी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। रायबरेली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर कई किसानों ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे में की गई उनकी जमीन किसी और ने बेचकर पैसा ले लिया है। किसानों का आरोप था कि लेखपाल ने गुपचुप तरीके से दूसरे के नाम जमीन दिखाकर उन्हें पैसा दिलवा दिया। किसानों ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार तक दरख्वास्त किए जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। SDM प्रशासन के दफ्तर का घेराव कर इन किसानों को SDM ने बुलाकर जब इनकी समस्या सुनी तब मामला कुछ और ही निकला। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे ने किसानों की जमीनें बैनामा कराई है। इस तरह कुल 97% किसानों की जमीन का बैनामा हुआ है, बाकी बची 3% किसान का एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहण किया जाना है। जिला प्रशासन ने कुछ गांवों का अभी अवार्ड नहीं किया है, उसी में धोबहा मऊ का वह भी गांव शामिल है जहां के किसान आए थे। SDM प्रशासन ने उन्हें आश्वासन देते हुए बताया कि उनकी जमीनें अधिग्रहित कर ली गई हैं। 1 दिसंबर तक अवार्ड देने के बाद पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा। उन्होंने किसानों से दलाल या किसी अन्य बिचौलिए के बहकावे में न आने का सुझाव भी किसानों को दिया है। ना हाईवे में गा रही है तो लोग आकाशी तुम्हारी खेती बिक गई है और पैसा कोई ले लिया, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। वो सोचना मिली तो साहेब भाग के हम बनते आया, खाना पीना काल से हराम हो। कितनी जमीन रही लगभग? लगभग 15-20 हमारे कोहिमा है तो 5.5 हाईवे में जा रहे हैं। तो पैसा आवा कि नहीं आवा? अभी नहीं साहेब आया पैसा। गंगा एक्सप्रेस के अंतर्गत जो भूमि क्रय की गई थी उसके उपरांत जो शेष भूमियां हैं उनको अधिग्रहण के माध्यम से गंगा एक्सप्रेसवे को कब्जा दिलाया जाना है। और चूंकि इसमें लगभग 97% भूमियों का क्रय ऑलरेडी किया जा चुका था, 3% जो भूमियां बची हुई हैं उनके संबंध में धारा 19 के प्रकाशन के उपरांत एवाग की कार्रवाई की जा रही है। जो शिकायतकर्ता आए थे इनको इस बात का आश्वासन दिया गया कि नियमानुसार इनके जो कृषि भूमि है उसका मुआवजा एवाग के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
गंगा एक्सप्रेसवे के नाम पर छलावा का मामला सामने आया है। किसानों के भूमि अधिग्रहण में लेखपाल ने खेल किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बलवंत सिंह हमसे जुड़ेंगे। बलवंत, किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के मामले में लेखपाल पर आरोप लगाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी मयूर जी, आपको बताना चाहूंगा कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाईवे एक्सप्रेस है जो मेरठ से चलकर प्रयागराज जाने वाला है, और यहाँ तक अभी तक हम बात करेंगे किसानों की जमीनों की, जमीनों में अभी तक 97% लोगों का भुगतान किया, किसानों का भुगतान किया जा चुका है, 3% किसान अभी भी बाकी है। लेकिन आज जो किसान धरना प्रदर्शन किए हुए थे, उनका भी किसानों का आधा दर्जन किसान डीएम कार्यालय पहुंचे थे, उनको अभी जमीन का बैनामा का पैसा नहीं मिला। सरकार ने जमीन तो ले ली है लेकिन उनका भुगतान नहीं किया गया। जी जी, और वहीं पे प्रशासनिक अधिकारी की हम बात करें तो जो जिम्मेदार और लेखपाल ने जिस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, और किसानों ने आरोप लगाया कि हमारी जमीन का बैनामा लेखपाल ने दूसरे के नाम से कर दिया गया है। लेकिन अब इसको देखना यह है कि अब इसका जब एडीएम प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी तक जिन 3% किसान बचे हैं उनका भुगतान अवार्ड के माध्यम से जल्द ही कर दिया जाएगा। बलवंत, जो किसानों ने लेखपाल पर आरोप लगाया है, ये कितना सही पाया गया है? अब ये तो ना जी देखने वाली बात है, ये तो जांच का विषय है, उनकी अधिकारियों का किस तरह जांच करते हैं, और ये जांच के विषय में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक इसके मामले में बात एडीएम प्रशासन कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, और किसानों को अब किसानों के और इसकी एसडीएम से फिलहाल, हालांकि इस मामले में एसडीएम से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, उनका फोन रिसीव नहीं हुआ था। बलवंत, अभी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है या आगे अभी की जाएगी? अभी तो इसमें कार्रवाई हालांकि कुछ नहीं की गई, सिर्फ उनको आश्वासन मिला है। जी, धन्यवाद बलवंत तमाम जानकारियों के लिए। डेंगू के संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अंबेडकर नगर में बीते दिन 24 मरीजों में डेंगू का संक्रमण पाया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद भी बचाव कार्य नाकाफी साबित हो रहा है। फॉगिंग और एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव नाम मात्र का हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों का भ्रमण कर जागरूकता तक सीमित है। टांडा नगर के आसपास और अकबरपुर के क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप सबसे अधिक है। इन्हीं दोनों स्थानों पर सबसे अधिक डेंगू मरीज मिल रहे हैं। टांडा में सबसे अधिक 143 डेंगू मरीज, वहीं अकबरपुर में 47 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। जिले में मरीजों की संख्या अब बढ़कर 236 पहुंच गई है। लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आदेश शहर शहर डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें, मरीजों की संख्या के बाद भी बचाव कार्य नाकाफी साबित हो रहा है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अंबेडकर नगर में बीते दिन 24 मरीजों में डेंगू का संक्रमण पाया गया है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं बचाव कार्य नाकाफी साबित होता नजर आ रहा है। फॉगिंग और एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव नाम मात्र किया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं, और अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता राहुल हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले हम विवेक के पास चलेंगे। विवेक, लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लखनऊ में अभी कैसी स्थिति है? देखिए मयूरी, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ जो है इस समय डेंगू से करा रहा है। पिछले कुछ समय में अगर हम पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो 40 से ज़्यादा के मामले रोज ही आ रहे हैं। अगर कल की अगर बात की जाए तो कुल 46 डेंगू संक्रमितों की पुष्टि
कल हुई है। अगर परसों की बात की जाए तो कुल 45 डेंगू संक्रमित आए थे, तो पिछले 10 दिन की अगर हम बात की जाए तो ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन 40 से कम के संक्रमण के मामले लखनऊ में सामने आए हो। संक्रमण लखनऊ में डेंगू का इतना बढ़ गया है मयूरी कि जितने भी संक्रमित हैं उनकी संख्या 1200 के पार कर चुकी है और टोटल प्रदेश में टोटल संक्रमित संख्या जो है वो 8000 के पार कर चुकी है। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो इस समय शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, जैसे इंदिरा नगर हो गया, चंदन नगर हो गया। सबसे ज़्यादा मामले कल की डेट में अगर देखा जाए चंदन नगर के 6 मामले थे। तो सीधे जो है सवाल ये उठता है नगर निगम की टीम पे कि वो उन्होंने अपने काम में लापरवाही की है जिसकी वजह से ये डेंगू का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। इस समय नगर निगम की पूरी टीम जो है हर एक जगह जांच करके एंटी लार्वा और फॉगिंग का छिड़काव करा रही है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी संक्रमण रोज जो है 40 से 45 के मामले मिलता चला जा रहा है और अब जाके जो है नगर निगम को खुद आई है कि क्या कर रहा है। मयूरी जी विवेक, रुक करेंगे राहुल का। राहुल, अंबेडकर नगर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, सबसे ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, अभी कैसी स्थिति वहां देखने को मिल रही है? राहुल, आपका आवाज आ रही है हमारी? मच गया जी। मयूरी, आपको बता दें डेंगू के डंक से पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे के अंदर 7 नए मामले सामने आया है। जिले में अगर डेंगू के मरीजों की संख्या की बात करें तो 243 है। इनमें ज्यादातर टांडा क्षेत्र में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। अगर वहां के टांडा क्षेत्र में डेंगू के मरीजों की संख्या की बात करें तो 143 है, अकबरपुर की 37 है। जिस तरीके से लगातार दिन प्रतिदिन आधा दर्जन एक दर्जन नए मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं और डेंगू पर काबू नहीं पाया जा रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और दूसरी बात साफ सफाई व्यवस्थाएं किस तरीके है अम्बेडकर नगर में अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि बार बार प्राइम टीवी प्रमुखता से खबर चला रहा था कि साफ सफाई व्यवस्था को लेकर यहां पर काफी चाक चौबंद व्यवस्था नहीं, जिस तरीके से डेंगू अपना कहीं ना कहीं पांव पसार रहा है, साफ सफाई व्यवस्था एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव दिन प्रतिदिन जिला अधिकारी का निर्देश है, लेकिन ग्रामीण स्तर और जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति थी वहां पर ब्लीचिंग एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। जी मयूरी जी, राहुल रुक करेंगे विवेक का। विवेक, निर्देश दिया गया है नगर निगम को बेहतर काम करने के लिए डेंगू को देखते हुए, तो अभी लखनऊ में फॉगिंग को लेकर कैसा काम किया जा रहा है? देखिए मयूरी, नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने 15 दिनों का एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम नगर विकास पखवाड़ा है। इन 15 दिनों के कार्यक्रम में वो नगरीय व्यवस्था को साफ सफाई से लेकर हर प्रकार चीज़ों व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। वही नगर निगम को काफ़ी पहले से ये दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि नगरों में निकायों में साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखें, डेंगू मलेरिया आदि से बचाव की व्यवस्था बनाए रखें, एंटी लार्वा का छिड़काव कराएं, फॉगिंग कराएं। सारे दिशा निर्देश नगर निगम को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से दिए गए हैं, लेकिन नगर निगम ने कितना इन दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए काम किया है यह एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मंडलायुक्त रोशन महाजैकर ने इंदिरा नगर और गाजीपुर, जो कि एक बड़ा इलाका लगता है, वहाँ के जो झुग्गी वस्तुओं का औचक निरीक्षण किया है और वहाँ पर जो गंदगियाँ देखी उन्होंने, तो वहाँ पे सफाई निरीक्षक को बर्खास्त कर दिया है। कि तो नगर निगम की हालत तो ये है कि वो अपने काम तो ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ग्रामीण क्षेत्रों की मयूरी बात ही छोड़ दीजिए, नगरीय क्षेत्रों के कई मामले ऐसे आ रहे हैं, 45-46 केसे कल के डेंगू के हैं, परसों के 45 केसे, सबसे ज़्यादा जो है इंदिरा नगर चंद्रनगर के इलाके के मामले आ रहे हैं। तो ग्रामीण परिवेश की बात ही छोड़ दीजिए, नगर निगम पूरी तरीके से इतना फेल है कि वो नगर निगम के अधीन आने वाली जगहों पे, वार्डों पे, निकायों में भी समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और वहाँ पे संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। मयूरी जी विवेक, अगर बात की जाए तो पॉश इलाकों में ही ये सारी सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल रही हैं, लेकिन अगर ऐसे भी कुछ इलाके लखनऊ में अभी भी वंचित है जहाँ पे नियमित मात्रा में न फॉगिंग हो रही है ना ही लार्वा का छिड़काव हो रहा है। मयूरी जी, चलेंगे राहुल के पास। राहुल, जिस तरह से अंबेडकर नगर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से नगर निगम द्वारा ना तो फॉगिंग किया जा रहा है कायदे से और ना एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, किसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्यों बेहतर काम नहीं किया जा रहा है? जी मयूरी जी, बिल्कुल
कहीं ना कहीं जिला अधिकारी का निर्देश है कि डेंगू जैसे जो विशेष इलाके हों वहां पर जिस तरीके से टांडा में डेंगू के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, डेंगू के मरीजों की अगर संख्या की टांडा में बात करें तो 143 पहुंच गया है। जिला अधिकारी का सख्त निर्देश है डेंगू प्रभावित वाले इलाकों में साफ सफाई एंटी लार्वा ब्लीचिंग का छिड़काव दिन प्रतिदिन होना अनिवार्य है। खुद जिला अधिकारी सैमुअल पाल जीरो ग्राउंड पर है, लेकिन जिम्मेदार नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो चाहे ग्रामीण स्तर में सफाई कर्मचारी हो, कहीं न कहीं उन पर ये निर्देश लागू नहीं होता दिख रहा है, जिसकी वजह से संक्रमित बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू मच्छर पनप रहे हैं। कुल अगर डेंगू के मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 243 अभी तक अंबेडकर नगर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या है। इनमें ज्यादातर टांडा और ग्रामीण इलाकों में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर जल्द ही डेंगू को अगर जल्द ही काबू में नहीं किया गया, ऐसे में लापरवाही बरती गई तो आने वाले कल में और भी ज्यादा डेंगू के मरीज मिल सकते हैं और भी भयावह स्थिति हो सकती है। जी मायूरी जी, अंबेडकर नगर से राहुल धन्यवाद आपका, लखनऊ से विवेक धन्यवाद आपका। शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जगह जगह मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या के देखते हुए फॉगिंग और एंटी लार्वा की दवाओं के छिड़काव के आदेश दिए गए हैं। बता दें टीमें गांवों का भ्रमण कर जागरूकता तक का काम कर रही हैं। शहर शहर डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, अस्पतालों के बेड फुल हो चुके हैं, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ेंगे प्रयागराज से। आशीष, लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, प्रयागराज में कैसी स्थिति है? मयूरी बता दें पिछले कई दिनों से प्रयागराज की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह डेंगू का मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, बेड देखा जाए वो फुल होते जा रहे हैं। पर वहीं पे सरकार भी सख्त निर्देश दिए हुए चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो कि किसी भी तरीके से मरीजों की उसके इलाज में कोई भी लापरवाही ना किया जाए, और चाहे नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो चाहे हर तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि किसी भी तरीके से लापरवाही चाहे कोई गली हो चाहे मोहल्ला हो, हर जगह फॉगिंग किए जा रहे हैं, छिड़काव किए जा रहे हैं, चाहे नाली हो चाहे कूड़े का ढेर उसको हटवाया जा रहे हैं, और हर जगह ब्लीचिंग पाउडर, मतलब किसी तरीके से कोई भी लापरवाही अगर बढ़ती जाएगी तो उनके ऊपर कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी मयूरी, आदेश तो दे दिया गया है तो कैसा अभी काम किया जा रहा है, चाहे वो फॉगिंग को लेकर हो या फिर एंटी लार्वा के छिड़काव को लेकर हो? देखिए डेली देखा जाए तो सुबह शाम एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है और फॉगिंग की जा रही है, तो पर अभी भी कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे वहां तक नगर निगम की टीम नहीं पहुंच पा रही, कुछ इलाके ऐसे भी हैं हमने देखे हैं वहां पे अभी भी देखा जाए तो नगर निगम की टीम नहीं पहुंच पा रही है, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक चीज और भी बता दें कि जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है तो इस समय ज्वाइंट देखा जाए, ज्वाइंट एक वायरल और प्लस डेंगू दोनों का मरीज सामने आ रहे हैं। जी धन्यवाद आशीष तमाम जानकारियों के लिए। इरफान सोलंकी मामले की जांच करेगा सपा प्रतिनिधि मंडल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 विधायक समेत 11 सदस्य घटनास्थल पर जाएंगे।
वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज पांडे आएंगे कानपुर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा प्रतिनिधिमंडल की कमिश्नर से भी मुलाकात होगी। इरफान सोलंकी मामले में जांच करेगा सपा प्रतिनिधिमंडल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 विधायक समेत 11 सदस्य घटनास्थल पर जाएंगे। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज पांडे कानपुर आएंगे। सपा प्रतिनिधि मंडल की कमिश्नर से मुलाकात होगी। इरफान सोलंकी मामले की जांच करेगा सपा प्रतिनिधि मंडल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 विधायक समेत 11 सदस्य घटनास्थल पर जाएंगे। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज पांडे आएंगे कानपुर। सपा प्रतिनिधि मंडल की कमिश्नर से भी मुलाकात होगी। इरफान सोलंकी मामले की जांच करेगा सपा प्रतिनिधि मंडल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 विधायक समेत 11 सदस्य घटनास्थल पर जाएंगे। वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनोज पांडे आएंगे कानपुर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, इरफान सोलंकी मामले में अब सपा प्रतिनिधि मंडल काम करेगा। जी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक आगजनी घटना हुई थी, जिसमें इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके चलते इरफान सोलंकी और उनका भाई मुख्य रिजवान सोलंकी कानपुर से फरार चल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस जगह जगह पे इनकी दबिश जारी कर रखी है। दबिश के चलते जब ये सूत्रों के माध्यम से खबर आई थी कि इरफान सोलंकी लखनऊ मुख्यालय में थे, तब वहां पे अखिलेश यादव ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया है और उन्हें 11 लोग की लगभग जो टीम है कानपुर भेज रही है। कानपुर में लगभग 11 विधायक सबसे पहले घटनास्थल पर जाएंगे, घटनास्थल के बाद कानपुर के कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। हालांकि सपा पहले से इन सब चीजों पर आरोप लगा रही है, राज्य सरकार पे और पुलिस पे कार्रवाई लगा रही है कि कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम होने का भी अंजाम भुगतना पड़ रहा है इरफान सोलंकी। जी मयूर जी, कहा जा रहा है घटना स्थल पर 11 विधायक और कई सदस्य जाएंगे। जी, कानपुर में सबसे पहले एक जगह ये लोग जितने भी विधायक हैं, कानपुर के विधायक और सपा के जो अखिलेश यादव ने जो भी 11 विधायक चुने हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद जो भी घटना स्थल है जो कि कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में है, वो घटना स्थल पे इनके आवास के पास जाएंगे। आवास पे जाने के बाद इनके घर वालों से मिलेंगे और घर वालों से मिलने के बाद ये कानपुर कमिश्नर से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। हालांकि कानपुर कमिश्नर ने भी परसों एक वीडियो जारी किया था, वीडियो में साफ साफ कमिश्नर का कहना था कि यदि कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी गरीब को या किसी को इस तरीके की घटनाएं करेगा, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना पूरा काम करेगी। जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।